नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन की सुरक्षा में तैनात 40 सुरक्षा कर्मी और अधिकारी खतरे में है। दरअसल इन्हें रहने के लिए झारखंड भवन में करीब 10 किलोमीटर दूर लिया गया किराए का मकान एकदम जर्जर हो चुका है। आवास की छत टूटकर गिर रही है, प्लास्टर भी गिर रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से सुरक्षा कर्मियों की आवास की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। पुलिस मुख्यालय ने पत्र में लिखा कि झारखंड भवन की सुरक्षा में लगे अधिकारियों और कर्मियों के लिए सैदुलाबाद नई दिल्ली में किराए पर लिया मकान जर्जर हो चुका है। दीवार और छत का प्लास्टर तो गिर ही रहा है, बरसात के दिनों में सड़क का पानी मकान के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके कारण सेफ्टी टैंक पानी से भर जाता है, सारा कचरा पानी में तैरने लगता है। ये मकान भी इतने अधिक सुरक्षा कर्मियों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा नई दिल्ली में लोकसभा सत्र के दौरान ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था भी इसी भवन में की जाती है। खैर, अब देखना होगा कि इन कर्मियों को गुहार कब तक अमल किया जाता है।